इंसाफ चाहिए। तो ये बताइए, उनका दुई थे लड़का बच्चा अनाथ हो गए, उन्हों के बारे में कुछ चर्चा भे रही का डॉक्टर राकेश पटेल? ये बोले थे कि वो हमारी एक टू टच संस्था चलती है, जो उसमें हम उनको पढ़ाएंगे, है ना, जो हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे। हाँ, ये बोले का पढ़ाई शुरू। और इसके बाद दो दिन बाद बोले कि 2.5 लाख रुपए की दवाई हो चुकी है, उसके बाद कुछ ना कुछ पैसा यहाँ जमा करवाओ। तो हम बोले कि भाई इसको जांच तो करवाएं, पर बोले आपकी MRI करवाएंगे, MRI तो नहीं हुई, कहीं नहीं हुई, कल करवाएंगे, जब मौत हो गई तब MRI करवाएंगे। वो मेरे को बोले 50,000 तुम ले लो और वो लेके चले जाओ अपनी गाड़ी, मैं भिजवा दे रहा हूँ अपनी गाड़ी से, मैं पर्सनल। ये बोले 50,000 ले लो चले जाओ। हाँ, मैं छुड़वा देता हूँ एम्बुलेंस से, बोल गए। कौन कह रहा है? ये राकेश पटेल फैमिली है, डॉक्टर साहब एकदम बच्चे अनाथ हो गए, कोई नहीं है उनके पास, आगे पीछे कोई नहीं है। सारी ये सब कुछ हमने लिख कर दिया है, सब कुछ बताया, ये बिल्कुल ये मिल जाएंगे आपको CMHO में। अभी क्या है कि आप मत जाइए, हम वहाँ से बुला के फिर आपको पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। विहान अस्पताल से हमारे CMHO कार्यालय में किसी प्रकार के दस्तावेज प्राप्त नहीं हुए। बिहान अस्पताल कौनो डॉक्टर की ओर से कौनो इंतजार, कौनो इंतजार एक पैसा के नहीं मिला, कौनो मेयर से मानो हो तो हुआ से जैसे वो हमार निकाल दिन, सब निकाल लिए रहे हैं, कुछ नहीं रहा होगा जितनी की टिनी सब हो मने फिर नहवाई धोवाई जब तब तक दिखान, पहले तो दिखाई नहीं दे रहा यार, निकाल लिए रहा हुआ है हॉस्पिटल में, चाहे परेशान करता है कि सब निकाल लिए रहे हैं, किडनी उडनी बानो नहीं बताए कि एक मौत ही हो गई है, कहाँ के सांस ही है, सुधार हो लागी। हम पचे कही कि जब सुधार हो लगी जई जो दवाई यहाँ हाथों हाथ कहाँ तो कहाँ कुछ न चले के पता न चले, तब यह कर तब हम जब डॉक्टर जेवन डॉक्टर से पूछी रही है माले के कर 5 दिन रखे रहिए, 5 दिन फिर 15 तारीख का रात 3 बजे हमका बताए कि खत्म हो गया, तब मर दिन लहाज। मेरी मम्मी को इंसाफ चाहिए। तो को दे भाई इंसाफ, मेरी मम्मी को मारा गया है। कौन मारा है? डॉक्टर राकेश पटेल। डॉक्टर राकेश पटेल ने करवाया। टच जो स्कूल ही कैमी तक ही? पांचवी तक। लड़का बच्चा कौन क्लास में? अब हमको तो लगता है 6वीं में 8वीं में है, ऐसा कुछ है। तब फिर कैसा हूँ राकेश पटेल पढ़ा दी? तब उस समय तो बोले थे, अब बाद में ना ये मिले ना वो कुछ हुआ, अब सब रफा दफा, जानकारी हमको नहीं है इसके बारे में। अपना का लागे नहीं कि अनाथ हुई है जो लड़का, उनके तो उनका कुछ इंतजाम हो चाहिए, व्यवस्था हो चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे उनका, ऐसा नहीं है। जो वादा करे रहे डॉक्टर राकेश पटेल का पूरा करी नहीं, अभी तो अब हम अपनी जानकारी में नहीं है, देखिए अभी तक अपनी जानकारी में नहीं है। कौन में के आर्थिक मदद? नहीं अभी तो नहीं है। डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा या बिहान अस्पताल के द्वारा अभी आर्थिक मदद कोई नहीं हुआ। बीते महीना एक घटना हुई थी, वो घटना रही एक माधुरी पटेल नाम के महिला जेकर बिहान अस्पताल रीवा में देहांत हो गया रहा। देहांत होने के बाद काफ़ी विवाद भा, विवाद के बाद परिजनन के द्वारा खूब हंगामों कीन गया, अंततः हुआ हंगामे के बाद भाग न पहुँचे लब्धे सुन वाली हालत रही। बिहान अस्पताल के ऊपर गंभीर आरोप लगे और उनके मृतक के परिजन के द्वारा यहाँ तक कहा गया कि माधुरी पटेल के शरीर के अंदर के किडनी गुर्दा तक निकाल लिए गए। हालांकि ये आरोपन में कितनी सच्चाई है कितनी हकीकत है यह तो हम नहीं जानी, लेकिन आरोप ऐसे लगे रहे हैं कहे कि न बिहान अस्पताल ये बात खितिर गंभीर भा पोस्टमार्टम करावा जाए और न ये बात का पुष्टि कीन गए कि आखिरकार मौत एक साधारण इलाज में आखिरकार कैसा हो गया। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और बातचीत करे खितिर हमारे साथ रीठी ग्राम पंचायत के सरपंच है, उनसे हम जाने के प्रयास करब कि आखिरकार वह दिन जब बिहान अस्पताल में यह सब हंगामा हो रहा और अपना पचे जब डॉक्टर राकेश पटेल के केबिन में रहन तो का कुछ बातचीत भय रही, का कुछ घटनाक्रम भर रहा, पूरा कुछ जाने के प्रयास करी थे। सरपंच साहब शुभ नाम का है? राम सेवक पटेल। राम सेवक भैया, यह बताइए कि यह जब देहांत भा माधुरी पटेल अपने की ग्राम पंचायत में निवास कर रहे हैं? हाँ, हमारे यहाँ उनका मायका था जी, कई साल से लगभग यह रह रही, उनके बारे में का कुछ, माधुरी पटेल के बारे में का कुछ जानकारी है?
वो बहुत सारी जानकारी तो नहीं है, लेकिन यहाँ रहती थी, उनका मायका था और ये रीवा में रह के अपने बच्चों को पढ़ाती थी, किराए से कमरा लेके बच्चों को पढ़ाती थी। नहीं तो पति रहे इनका? नहीं, पति तो एक्सपायर हो चुके हैं। अच्छा। फांसी लगा के खत्म हो गए थे वहीं अपने। लगभग कितने साल पहले? 7-8 साल पहले है ना? हाँ लगभग होगा। और दूठे लड़का बच्चा कहते हैं? दो हैं, एक बालक एक बालिका। चलिए मतलब वो अनाथ हो गए? हाँ वो अनाथ है। चलिए अब ये बताइए कि जब यह पूरा घटनाक्रम भर रहा, अपनों के जिक्र आबा रहा, एक लड़का बयान देने रहा कि सरपंच सेक्रेटरी के कहे पर हम बिहान अस्पताल में इलाज खातिर यहाँ एडमिट भई रहे, ये में कितनी सच्चाई? नहीं ये तो गलत है सारा सा। हमें को तो जानकारी नहीं थी कि कब वो एडमिट किए, कब एडमिट हुई, हमें कोई जानकारी नहीं। हमको जानकारी एक जब डेट हो गई है उनकी, उस दिन भैया ब्रजभान पटेल जी हैं, इन्होंने फ़ोन करके बताया कि उनको उनकी वहाँ डेथ हो गई है, चलना है वहाँ हॉस्पिटल में, तब हमको जानकारी हुई कि ये वहाँ डेथ हुई है। वो एडमिट अपने से जाके हुई हैं, ये जब पता चला अपने से जान ले जाके, कोई परिचित की उनकी नर्स थी वो ले जाके एडमिट की है जी। फिर अपना जब वहाँ गए तो का भाई ये पूरी बात वहाँ दिखे न, वहाँ बताएं, फिर ये प्रयास करें कि डॉक्टर साहब से मिली, डॉक्टर साहब से मनेगा 5-6 लोग गए मिलन उनसे तो जब मिले गए थे ब्रिजभान भाई थे और मुनराज पटेल जी थे जी। है ना, और उसके भाई थे का नाम मनीष पटेल थे और एकाद रिश्तेदार उनके थे और तो बाकायदा डॉक्टर साहब ने बताया पूरी, डॉक्टर राकेश पटेल जी ने पूरा बात बताई कि ऐसा ऐसा इनका हुआ है। का बताई भाई हम तो जाने चाहिए कि उनका मतलब ये पथरी का ऑपरेशन था, लेजर ऑपरेशन हुआ था है ना, ऑपरेशन के बाद ठीक ठाक थी है ना, बाहर आई, दूसरे दिन उनको माइनर अटैक टाइप का आया उन्होंने बताया छाती में, उसको हम लोगों ने कवर किया कुछ दवाई ववाई लेके, और कवर करने के बाद उनको लगभग 10-12 घंटे बाद फिर ब्रेन मार दिया वहीं से वो कोमा में चली गई, एक आध दिन दो दिन थी कोमा में, इसके बाद उनको डेथ हो गए, जो कि पैसा भी उनसे नहीं लिया गया, हितग्राहियों से पैसा भी नहीं लिए, और डॉक्टर साहब ने ये भी बताया कि हम 1 रुपये आज अभी तक उनसे नहीं लिए। नहीं तो आयुष्मान कार्ड से इलाज, आयुष्मान कार्ड से इलाज कर रहे थे तब भी कहे कि पैसा लिए नहीं एडमिट किए, मतलब वैसे अटैक वाला जो था उसका भी उन्होंने पैसा नहीं लिया, लेजर ऑपरेशन का तो लिए नहीं। हाँ ये तो उन्होंने बताया हमको। नहीं तो और कुछ बात भय रही कि का कुछ भाई जब 50 आरोप यो लगा रहा उस समय कि 50,000 रुपया दे के कहा जा रहा कि इनका लाश अपन ले जाए, नहीं ये अस्पताल ऐसी बात नहीं है, हमारे से तो ऐसी बात नहीं है, उन्होंने कहा आपको अगर शंका है कुछ कोई दिक्कत है तो आप वहाँ क्या नाम संजय गांधी में पोस्टमार्टम करा लीजिए, FIR दर्ज करा दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मरीज बचे है ना, अब ये तो ऊपर वाले के है कि नहीं हुआ तो क्या करें। नहीं ये बताइए उनका दूठे लड़का बच्चा अनाथ हो गए, उन्हों के बारे में कुछ चर्चा भी रही का डॉक्टर राकेश पटेल से? ये बोले थे कि वो हमारी ये टूट टच संस्था चलती है जो, उसमें हम उनको पढ़ाएंगे है ना, जो हमसे हो सकेगा सहयोग करेंगे। हाँ ये तो बोले का पढ़ाई शुरू है पता करें ना? अभी तो हमको जानकारी नहीं, वो ही बताए ना, यही हमको इसके बारे में भी कोई जानकारी। सरपंच तो एक गाँव के पालक होते नहीं, तो अपने यहाँ की नहीं है, अपने यहाँ होती तो चलिए मैं करता, अब हमको जानकारी के तो गांव के बिटिया है तो वो कर ज्यादा लागे है, लेकिन वो तो वहाँ अपन उनके ससुराल में है ना, वो भाई लड़का बच्चा तो यहीं रह रहे हैं, पहले रीवा में रहते थे, अब कहाँ ही है मुझे जानकारी नहीं है, उन्होंने कभी बताया। वो टू टच जो स्कूल ही कई तक पचवीं तक लड़का बच्चा कौन है क्लास में? अब हमको तो लगता है 6वीं में 8वीं में ऐसा कुछ है। तब कैसा वो राकेश पटेल पढ़ा दी? तब उस समय तो बोले थे, अब बाद में ना ये मिले ना वो कुछ हुआ, अभी सब रफा दफा, जानकारी हमको नहीं है इसके बारे में। अपना का लागे नहीं कि अनाथ हुई है जो लड़का, उनके तो उनका कुछ इंतजाम हो चाहिए, व्यवस्था हो चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, हम लोग भी सहयोग करेंगे उनका, ऐसा नहीं है जो वादा करे रहे डॉक्टर राकेश पटेल का पूरा करी नहीं, अभी तो अब हम अपनी जानकारी में नहीं है, देखिए अभी तक अपनी जानकारी में नहीं है। कौनों में के आर्थिक मदद? नहीं अभी तो नहीं है, डॉक्टर राकेश पटेल के द्वारा या बिहान अस्पताल के द्वारा अभी आर्थिक मदद कोई नहीं, वही बस जो पैसे ऐसे थे वो बोले कि हम नहीं लेंगे, वहाँ से लिखवा पढ़वा लिए थे, जो दवाई में खर्च हुए थे वो पैसा नहीं लेंगे 1 रुपया। ये को लिखवाए रहा मतलब वो वही संस्था डॉक्टर साहब बोले थे जब मैं हम लोग मिलने गए थे तो कोई पैसा ऐसा नहीं लगा। कितना पैसा बिल कितना बना रहा? अब ये तो जानकारी नहीं है मुझे, ना पैसा लिए थे ना लेंगे, ये बोलेंगे अपनी वो करके बॉडी ले जाइएगा।
ये बताइए अभी उनकर माता जी ये जो उनका आने का जाने का खर्च है तो वो बल्कि दिए थे, एम्बुलेंस किए थे वही किए थे, इलाज किया था डॉक्टर साहब व्यवस्था किए थे घर संस्था के तरफ से इलाहाबाद ले जाने के लिए है ना, और आने जाने का जो खर्च हुआ था तो वो दिए थे एम्बुलेंस का पैसा। अच्छा, वो मेरी जानकारी में है। हाँ, एम्बुलेंस के पैसा उनके द्वारा दिया करा। चलिए, उनके माता जी के आरोप यह है कि मतलब डॉक्टर राकेश पटेल के यहाँ जब गई रही तो मतलब उनका कहा है कि 11 तारीख का वो जब ऑपरेशन के बाद देहांत हो गया रहा और हम जब आईसीयू में जई तो हमका भगाए दिन जा रहा और जब हाथ गोड़ छुई तो ठंड बता रहा था। अपना कुछ जानकारी तो लिए हो भी घटनाक्रम के संदर्भ में कि क्या घटना बह रही है? नहीं, ये तो हमने जो पूछा उनसे डॉक्टर साहब से इस चीज़ के लिए जो बोल रही थी तो पूछा तो बोले कि ऐसा कोई नहीं, ऑपरेशन होने के बाद वो लगभग 24 घंटे ठीक थी, कोई दिक्कत नहीं आई थी, अचानक इनके ऊपर ऐसा हुआ कि अटैक टाइप का है जो हमको जानकारी दिए थे। और 2,40,000 रुपये के बिल बनाए रहे हैं वह आईसीयू वार्ड के, और कहे कि जब एक थे बयान है उनके भाई के कि 2,40,000 रुपये हमसे पचन से मांगा जा रहा, लेकिन हम पचे बताएं कि भाई हमारे पचन के लगे तो पैसा ही नहीं है, यह जानकारी है? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सरासर गलत है। उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम पैसा एक रुपये नहीं लिए हैं न लेंगे। हाँ, ये तो साफ साफ बोले। काहे नहीं लेन पैसा भाई? वो हालत में ही नहीं थी उस देने की स्थिति में नहीं थी पैसा। अब ये बिल क्या बनाए थे ये तो नहीं जानकारी मुझे, लेकिन पैसा नहीं लिए हैं ना, बोले हैं कि नहीं लेंगे एक रुपये। ये बताइए, अभी तक छुट्टी के कागज़ तक नहीं मिला है माधुरी पटेल के परिजनन का? नहीं, ये तो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन वहाँ से जो डिस्चार्ज किए थे वो कागज़ दिए थे उनको डिस्चार्ज का जब लाश दिए हैं। ये बताइए, अपना का लागे नहीं कि पोस्टमार्टम करावे चाहिए यदि गंभीर मामला है, और इतना गंभीर मामला हो गया कि जब हंगामा भाव उठे तो डॉक्टरों को कहे चाहिए कि भाई करावा जाए और परिजनों को हमें कहा जाए कि हो चाहिए, अपनों पचे उठे समझदार लोग रहें, काहे नहीं पीएम कराए? नहीं तो हम तो बोले घर वाले मना कर दिए, हम तो गए, दबाव तो नहीं रहा घर वाले के ऊपर? कोई दबाव नहीं था घर वालों के ऊपर, हम खुद गए थे कि आप FIR दर्ज करने थाने से, उनकी माँ मना कर दी, उनका भाई मना कर दिया कि मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा, FIR नहीं दर्ज होगी तो PM भी नहीं होगा, PM नहीं होगा। डॉक्टर साहब बोले थे कि आप PM करा लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, भाई हमने अपनी पूरी ईमानदारी से काम किया है ना, तो वो भी मना कर दिए घर वाले कि मैं PM नहीं कराऊंगा, भाई भी मना किया, माँ भी मना की थी। हाँ, नहीं, यह मैं जाऊँ घटना होती है ये अस्पताल से जुड़ी, अपना गांव के सरपंच आए हैं कई एक जने ऐसा अपना से सलाह ले तो ही कि दिखा बैठे कहाँ दिखा ली क्या करी, तो अपना का सलाह दी? सीधे सलाह देते कि संजय गांधी में आप जाइए, पहले संजय गांधी में बिहान अस्पताल नहीं भेज? नहीं नहीं, हम मैं ये कभी नहीं कहता कि बिहान हॉस्पिटल जाइए, कि कोई भी प्राइवेट अस्पताल में जाइए, पहले संजय गांधी में, इसलिए कि यहाँ सब गरीब लोग हैं, बड़े लोग तो अपने से वैसे भी चले जाते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा यही कहता हूँ कि पहले संजय गांधी में जाइए, जो होगा वहाँ भी अच्छे डॉक्टर हैं, सब वहीं के डॉक्टर हैं प्राइवेट खोले हुए हैं ना, तो संजय गांधी में जाइए, संजय गांधी में इलाज कराइए, बढ़िया इलाज होता है। चलिए, ये बताइए बिहान अस्पताल के करा है? बिहान हॉस्पिटल तो नाम तो उनका कल्पना पटेल जी का, उनके नाम से है, बाकी राकेश पटेल जी है और कोई हूँ राकेश पटेल का करा था अभी ये तो अपना मीटिंग तो राकेश पटेल है इसके। हाँ, मिलने उन्हीं से गए थे भाई, उनकी मैसेज है तो भाई उनसे मिलने गए थे कि भाई आपके हॉस्पिटल की बात है ना। चलिए, तो कुल मिला के सीधे तौर पर समझे लायक बात थी कि एक बड़ा मामला अब भूमिगत हो रहा है, वजह यह कि गरीब हैं, लड़का बच्चा अनाथ है, अब उनके ऊपर शर्मा हाथ नहीं है, सरपंचों अपन पल्ला झाड़ लिहन कि हो गए मातारी मरी गए, लाश जराय बरादहीन हो गए, फुर्सत हो गए, अब आज वो लड़कन के का स्थिति है शायद अपनों को फिक्र नहीं है, और शायद कुछ दिन बाद हमहू का फिक्र न हुई, कहे कि जब गाँव की यह स्थिति है तो फिर हमार कब तक हम केहू के साथ दे पाऊँ, मगर सीधे तौर पर एक बड़ा मसला है कि एक दुई बच्चन की जिंदगी आज संघर्ष खातिर तैयार है, जो वादा कीन गए वह झूठा कीन गए, पढ़ावे की जिम्मेदारी लीन गए लेकिन वह पचमिन तक व्यवस्था ही, लेकिन बिटिया वो लड़का बड़ी क्लास में है, आखिर उनका भविष्य का हुई यह एक सबसे बड़ा सवाल है। लगातार बने रही MP संदेश News 24 के साथ, काहे की जनता बोल आंखें खोल, आपन और अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है,
अब इन्हें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821004161 पर या 07662352451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बाचपन विशेषज्ञ से। प्रथम आईवीएफ क्लिनिक, आईवीएफ मौज तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,